वेलकम बैक श्रीमयी। आज हम लोग नाइटी कटिंग सीखेंगे, वो भी सिर्फ ढाई मीटर कपड़े में। और नाप दिया हुआ है, इसी के अकॉर्डिंग कटिंग करेंगे। और सभी को थैंक यू मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और जो लोग नहीं किए उन लोगों को भी थैंक यू, आगे कर लीजिएगा। नाप शुरू करते हैं। कपड़े को फोर फोल्ड कर लिया है। अभी हम लोग शोल्डर का नाप लेंगे, वो 14 इंच है, उसका हाफ लेंगे 7 इंच, और उसके साथ हाफ ऐड करेंगे 7.5 इंच पर नाप लगाएंगे। और आर्म होल लेंगे, आस्तीन का नाप लेंगे, वो लेंगे 6.5 पर, सीधा लाइन खींच लेंगे। और चेस्ट है 40, उसके 1/4 आएगा 10 इंच, उसके साथ 2 ऐड करेंगे, 12 पर मार्जिन खींचेंगे 12, फिर वेस्ट की लंबाई लेंगे 14.5 इंच, 14.5 इंच पे मार्क लगाएंगे। और वेस्ट का साइज है 36, उसको भी 4 से डिवाइड करेंगे, उसका भी 1/4 लेंगे, और उसके साथ 2 ऐड करेंगे आएगा 11, 11 पे मार्क लगाएंगे। आर्म होल की गुलाई देंगे 1.5 इंच में, और गुलाई को चेस्ट के दाग से थोड़ा नीचे तक खींचेंगे। अब गले का नाप लेंगे 3 इंच पे, और अब शोल्डर का 1/2 इंच डाउन कर देंगे, आस्तीन तक 1/2 इंच डाउन कर देंगे गले के मेजरमेंट से। अब नीचे की, नीचे जितना लंबाई है, 2.5 मीटर, मैंने 2.5 मीटर कपड़ा लिया है, इसी से बनाएंगे। और नीचे प्रिल लगाएंगे ताकि नाप का हो सके, नीचे तक वेस्ट के मेजरमेंट से नीचे तक लंबा खींच देंगे। अब नीचे गोलाई दे देंगे, हल्का सा गोलाई देंगे, फिर बाद में सिलाई करने के बाद अगर चाहिए तो और दे देंगे। और बैकनेक का डीप लेंगे हम लोग 3 इंच, फ्रंट लेंग हम लोग बाद में कटिंग करेंगे। अब कटिंग शुरू करते हैं। और फ्रंट आर्म होल के लिए 1/2 इंच और थोड़ा डीप करके मेजर कर लेंगे। दाग के अकॉर्डिंग हम लोग कटिंग करेंगे। मेरे चैनल अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन के साथ में क्लिक कीजिए, ताकि जो भी मैं नए नए नोटिफिकेशन दूँ वो आप लोगों को मिल सके। गले के हिसाब से नॉचेस लगा लेंगे। और फ्रंट नेक को भी पहले हम लोग आर्म होल, फ्रंट आर्म होल का डीप कटिंग करेंगे, फिर बैक नेक कटिंग करेंगे। अभी फ्रंट आर्म होल को डीप लगा लेंगे थोड़ा, 1/2 इंच, 1/2 इंच दबा के कट लेंगे, इससे फिटिंग्स अच्छा आता है। और बैक नेक को भी कटिंग कर लेंगे। अभी गले के लिए कैनवास पेपर लिया है मैंने, आप लोग बॉक्रम भी यूज़ कर सकते हो। 10x10 का एक पेपर लिया है, ये गले की डिज़ाइन के लिए होगा। इस पर हम लोग गले का, आप लोग, मैंने तो डिज़ाइन लगा लिए, आप लोग आप अपनी मर्ज़ी से अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन बना लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए। मैंने यहाँ पे 5 शेप दिया है नीचे।
फिर इसको हम लोग पेस्टिंग कर लेंगे, और पेस्टिंग अगर पेस्टिंग बॉक्रम ना हो तो स्टिच कर लेंगे। अब आस्तीन कट करेंगे, जो साइड का बचा हुआ कपड़ा था उससे आस्तीन और नीचे का प्रिल कट करेंगे, कटिंग करेंगे। आस्तीन का नाप हुआ है 8.5, उसके साथ 1 ऐड करेंगे, 9 इंच पे हम लोग दाग लगाएंगे, और लंबाई 4 है उसके 5 पे दाग लगाएंगे, क्योंकि हम लोगों को सीम अलाउंस चाहिए, कटिंग सिलाई का कपड़ा चाहिए, और मोहरी अंदाज से हम लोग 1 माइनस करके कटिंग कर लेंगे। बाद में स्टिचिंग करते वक्त हम लोग सही सही मेजरमेंट में स्टिचिंग कर लेंगे। आस्तीन कटिंग हो गया, अब इसका भी फ्रंट आर्म होल का डीप कट कर लेंगे 1/2 इंच दबा के। और नीचे के प्रिल के लिए कपड़ा और साइड वाला कपड़ा कटिंग कर लेंगे। इस टेढ़े कटे कपड़े को हम लोग यूज़ करेंगे, वो ध्यान से देखिए कैसे यूज़ किया जाता है। उल्टा करके ऐसे जोड़ने से कपड़ा फिर से सीधा लुक्स ले आएगा, तब हम लोगों का कपड़े में कमी नहीं आएगी। अब हम लोग गला लगाएंगे, स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। गला लगाएंगे, पहले हम लोग पिनअप कर लेंगे ताकि हिले ना, इससे फिटिंग्स अच्छा आएगा। गले सिलाई करते वक्त ध्यान दीजिए ताकि सिलाई अच्छा हो, बहुत ध्यान से स्टिच कीजिए। छोटे छोटे नॉचेस लगा लेंगे ताकि पलटने में दिक्कत ना हो, और जहाँ वी शेप आ रहा है वहाँ पे थोड़ा डार्क डीप करके काटेंगे, लेकिन सिलाई को ध्यान में रखते हुए। अब इसको पलट लेंगे और आयरन लगा लेंगे। आयरन लगा लिए, आप साइड वाला पोर्शन जो है उसको 1/2 इंच फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। देखिए लुक्स अच्छा आ रहा है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, कंट्रास्ट का जो कपड़ा हो वो मैचिंग होना चाहिए मेन फैब्रिक के साथ। देखिए यहाँ पर ऊपर वाला डिज़ाइन वाला कपड़ा कितना सुंदर मैचिंग हुआ है। इसके ऊपर मैं डिज़ाइन हैंड स्टिच करेंगे। अगर आप लोगों को हैंड स्टिचिंग सीखना है तो कमेंट कीजिए। डबल स्टिच लगा लेंगे, लुक्स अच्छा आएगा। गले में भी एक स्टिच लगा लेंगे। गले को हमेशा आयरन कर लीजिए, तभी फिनिशिंग अच्छा आता है। जितना हो सके कैनवास पेपर या बॉक्रम यूज़ कीजिए, फिनिशिंग अच्छा आएगा। अब दो आड़ा कपड़ा ले लिए, उसको ज्वाइन कर लेंगे पीछे गले के लिए। ओढ़े पट्टी है ये, उसको पीछे गले में लगाते जाएंगे। पाइपिंग डिज़ाइन आएगा इससे।
मेन फैब्रिक को खींचिएगा मत, उससे गला खराब हो जाएगा। आप फ्रंट पार्ट को ज्वाइन कर लेंगे, इसके साथ शोल्डर ज्वाइन कर लेंगे, उसके बाद पीछे गले का पाइपिंग बनाएंगे। इससे फिनिशिंग अच्छा आता है। शोल्डर ज्वाइन कर लीजिए, दोनों शोल्डर को ज्वाइन कर लीजिए। दूसरा वाला भी ज्वाइन कर लेंगे। आप पाइपिंग बनाएंगे, उसको मोड़ लेंगे और पाइपिंग का शेप दे देंगे। मोड़ते हुए पूरा गले को सिल स्टिच करेंगे। हो गया, अभी आस्तीन स्टिच करेंगे। आस्तीन में भी पट्टी लगाएंगे, जो डिज़ाइन वाला गला का पट्टी, डेढ़ इंच का एक पट्टी कट कर लिया है हम लोग, हमने, आप लोग वैसा ही कीजिए। पट्टी ना लगाने से भी चलेगा, लेकिन मैंने लुक्स अच्छा आने के लिए पट्टी लगाया। डीप स्टिक स्टिच लगा लेंगे, फिर इसको फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। आस्तीन हो गया, अब आस्तीन लगाएंगे। आस्तीन को लगाते वक्त खींचिएगा मत, उसे फुलाना जाएगा। अब एक इंच, ये क्योंकि ये नाइटी है इसलिए हम लोग फिटिंग्स लूज रखेंगे। एक इंच छोड़ के हम लोग दो इंच लिए थे एक्स्ट्रा, लेकिन एक इंच छोड़ के हम लोग स्टिच करेंगे। नाइटी लूज ही पहना जाता है, एकदम फिटिंग्स पहना नहीं जाता। एक इंच छोड़ के कमर तक एक इंच छोड़ के स्टिच करेंगे, फिर हाफ इंच छोड़ के हम लोग नीचे तक स्टिच कर देंगे। दोनों साइड एक ही तरह से करेंगे, एक एक इंच छोड़ के स्टिच करेंगे। अब हम लोग प्रिल बनाएंगे नीचे वाला। देखिए ऐसे स्टिच करने से कपड़ा बहुत सेव होता है, वो तेरा कपड़ा जो है वो भी काम में आ जाता है और प्रिल भी अच्छा बनेगा। कपड़ा जितना अच्छा ज़्यादा होगा, क्योंकि हम लोगों ने 2.5 मीटर कपड़े से फुल नाइटी बनाया है, इसलिए प्रिल देना ज़रूरी है, नहीं तो छोटा हो जाएगा। अब प्रिल के साइड वाला हिस्सा मोड़ लेंगे, मोड़ कर स्टिच कर लेंगे। थोड़ा सा ही मोड़ेंगे,
दो फोल्ड करके मोड़ेंगे और इसको स्टिच कर लेंगे। बुटीक से संबंधित कुछ जानकारी चाहिए तो मैसेज कीजिए, कमेंट में लिखिए। अब हम लोग प्रिल लगाएंगे, सीधा कपड़े दोनों को सीधा तरफ करके लगाएंगे, छोटे छोटे प्रिल बनाते जाएंगे। प्रिल लगाना हो गया, अब उसके ऊपर एक डिप स्टिच लगा लेंगे ताकि प्रिल खूबसूरती के साथ बैठ जाए। सभी को थैंक यू इतनी अच्छी तरह से देखने के लिए, सुनने के लिए। फिर मिलेंगे, देखिए लुक्स कितना अच्छा है। यहाँ पे गले में भी डिज़ाइन किया हुआ है। बाय बाय, टेक।